नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। यूपी के बदायूं स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल स्पर्धा जिला स्तरीय का दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आज समापन हुआ, जिसमें सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य के द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजनीकांत माहेश्वरी को व भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता को शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। सांसद खेल स्पर्धा के अंतिम दिन खो खो का फाइनल अशरफी देव इंटर कॉलेज उझानी व राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बदायूं के बीच हुआ। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयी हुई। वॉलीबॉल का फाइनल जगत व उझानी के बीच हुआ, जिसमें जगत विजेता रही। क्रिकेट का फाइनल बदायूं व उझानी के बीच हुआ, जिसमें उझानी विजयी रही। खो खो में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऋषु रही। वॉलीबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रभाकर पटेल व क्रिकेट मैन ऑफ द मैच जुनैद शिवली, बेस्ट बल्लेबाज आफ्ताब, बेस्ट फील्डर अभिषेक गुप्ता, बेस्ट गेंदबाज यथार्थ रहे, जिनको ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया। विजेता व उपविजेता टीम को ट्रॉफी मेडल प्रमाण पत्र देकर मुख्य अतिथि द्वारा उत्साहवर्धन किया गया। जिला क्रीडा अधिकारी अमित रिछारिया व सभी निर्णायक मंडल को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी खिलाड़ियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर हो सके, जिससे वह देश का नाम रोशन कर सके। इस कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, डीपी भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश शाक्य, दीपमाला गोयल, निष्कर्ष प्रताप सिंह, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करते हैं और उस चिंता को देखते हुए ही युवाओं को, बच्चों को जिस तरह से प्रोत्साहन हमारी सरकार कर रही है समय समय पर, अगर हम बात कर लें ओलंपियाड की, तो आप उसमें भी देखेंगे कि आज तक जहां हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बच्चों को, खिलाड़ियों को अच्छा कोच, अच्छी व्यवस्था देकर के हम वहां तक पहुंचे और वहां से भी अपने हक और अधिकार को छीन करके अपने देश में लेकर के आए, वो प्रतिभा और अच्छे से निखर सके। हम ग्राम सभा स्तर से, ब्लॉक स्तर से जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं उनको किस तरह निखार कर आगे ले आए, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के निर्देशन पर आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का हम लोगों को निर्देश हुआ था कि यदि आप लोग चाहें तो ऐसा अपने लोकसभा में करके प्रतिभावान बच्चों को आगे ला सकते हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। और आज यहाँ पर जो प्रतिभावान बच्चे आए हैं ये वही हैं जो गाँव से आज जिले पर पहुंचे हैं, ब्लॉक से तहसील पर आए, तहसील से जिले पर आए हैं, और निश्चित तौर पर एक न एक दिन बदायूं अपना नाम रोशन करेगा। बदायूं हमेशा ही इतिहास में रहा है, एक और इतिहास जरूर रचेगा। हजारों नौजवान युवक और युवतियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला और हृदय की स्पर्धा से जुड़ा हुआ जो खेल का मैदान होता है उसमें युवकों ने, युवतियों ने भागीदारी की है। पिछले एक महीने से चल रहा ये कार्यक्रम, जो सबकी मित्र हैं, बहन हैं, जो सबका साथ लेकर चलती है, वे यहाँ की सांसद हैं, उनका नाम संगमित्रा है। उनके प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। भारत खेल के मैदान में आगे बढ़े, इसलिए केंद्र की सरकार ने 3.25 अरब रुपया 2,600 करोड़ रुपया आवंटित किया है, ताकि देश का खिलाड़ी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए फिटनेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। भारत का खिलाड़ी जब अभ्यास करता है, न दिन देखता है न रात देखता है, और कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसको स्वीकार करता है। आज यहाँ जिन खिलाड़ियों का निर्माण हुआ है, आज ये जिले और जिले के बाहर के लोगों के साथ खेले हैं, आने वाला वक्त ऐसा होगा ये भारत की सीमा के बाहर से आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलेंगे और भारत का मनोबल बढ़ाएंगे।